नमस्कार दोस्तों, अगर आपका एक YouTube चैनल है और आपके YouTube चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक मिला है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल से वार्निंग स्ट्राइक को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको वार्निंग स्ट्राइक YouTube चैनल से हटाने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो के जरिए अपने चैनल के डैशबोर्ड पर आ जाएँ, और जब आप यूट्यूब स्टूडियो के जरिए चैनल डैशबोर्ड पे आते हैं तो अगर आपके यूट्यूब चैनल पे वार्निंग स्ट्राइक मिला है तो यहाँ पे डैशबोर्ड में ऊपर आपको वार्निंग शो होगा येलो कलर में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे चैनल पे एक वार्निंग स्ट्राइक मिला है। अब इस वार्निंग स्ट्राइक को कैसे हटाएंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो मैंने वार्निंग पर क्लिक किया, और जैसे ही आप वार्निंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का वार्निंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्निंग में आपको नीचे सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा होगा जहाँ लिखा यू हैव रिसीव्ड ए वार्निंग, यू कैन टेक ए पॉलिसी ट्रेनिंग विच विल रिमूव द वार्निंग आफ्टर 90 डेज। ये कह रहा है कि अगर आपके चैनल पे जो ये वार्निंग स्ट्राइक मिला है आप एक ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत कंप्लीट करके और 90 दिन बाद इस वार्निंग स्ट्राइक को हटा सकते हैं, ये आपके चैनल से हट जाएगा। ये यूट्यूब के न्यू अपडेट के बाद आया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कह रहा है इफ़ दिस हैपन अगेन, यदि ये दोबारा से हुआ तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि ये 90 दिन, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे पढ़ने को, तो मैं आपको वैसे हिंदी में बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि आपने जो वार्निंग स्ट्राइक हटाया यदि 90 दिन के अंदर फिर आपके चैनल पे स्ट्राइक लगता है तो यहाँ सेकेंड नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है कि यू वॉन्ट बी एबल टू थिंक लाइक अपलोड पोस्ट आर लाइव स्ट्रीम फॉर 1 वीक। मतलब इसका ये हुआ कि अगर 90 दिन के अंदर फिर आपको एक स्ट्राइक मिल जाता है तो आप 1 सप्ताह के लिए ना अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं और ना ही लाइव स्ट्रीम आ सकते हैं। तो ये कुछ है, इसको हटाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या फॉलो करने हैं। फिर अब इसको हटाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, टेक एक्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप टेक एक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो मैंने टेक एक्शन पर क्लिक किया, और टेक एक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे बिगिन रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको बिगिन रिव्यू पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप बिगिन रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो आपको वार्निंग स्ट्राइक मिला है, आपको यहाँ पर साफ साफ पढ़ने को मिल जाएगा कि आपके चैनल पर जो वार्निंग स्ट्राइक लगा है वो किस चीज़ को लेके लगा है, और वो वीडियो आपका किस टॉपिक से रिलेटेड था, क्यों उस पर वार्निंग स्ट्राइक आपके चैनल को लेके आया है। तो यहाँ पे सारा कुछ ये मेंशन किया गया है। अब इसको हटाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टेक एक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक ए पॉलिसी ट्रेनिंग। अब ये कह रहा है कि आपको एक ट्रेनिंग कम्प्लीट करना होगा इसे हटाने के लिए, वार्निंग स्ट्राइक को हटाने के लिए। तो यहाँ पे आपको हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है ट्रेनिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कंप्लीट है शॉर्ट ट्रेनिंग, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का एक ट्रेनिंग होगा। इफ़ यू वायलेंट पॉलिसी अगेन 90 दिन यू विल गेट ए स्ट्राइक, इफ़ यू विल डिफरेंट पॉलिसी गेट ए वार्निंग स्ट्राइक। तो यहाँ पे कुछ है ये, इसको लेकर के एक यहाँ पे सूचना दिया है कि अगर 90 दिन के अंदर फिर आपको स्ट्राइक मिलता है, वही जो मैंने भी आपको बैग में बताया था, तो आप ना ही 1 सप्ताह के लिए वीडियो अपलोड कर सकते हैं और ना ही लाइव स्ट्रीम आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस वार्निंग स्ट्राइक को हटाने के लिए आपको 7 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। तो यहाँ टेक ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। अब तो आपको जैसे ही टेक ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे अबाउट द ट्रेनिंग के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, 7 क्वेश्चन है जो 15 मिनट का टाइम लेगा आपसे, 15 मिनट के अंदर इनके जवाब देने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग चालू हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ऑफ 7 क्वेश्चन अभी 1st क्वेश्चन पे है। तो आप इसको पढ़ के और पढ़ने के बाद आप यस और नो पे क्लिक करना है। अगर आप गलत चूज करते हैं तो आपको वार्निंग कर देगा, तो आप कोई एक पहले चूज कीजिए, चूज करने के बाद चेक पे क्लिक कीजिए, अगर ये रॉन्ग होगा तो आपको अवॉइड कर देगा, तो फिर आप दूसरे वाले पे क्लिक करके चेक पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सही था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट लिखा। अब फिर आपको क्या करने हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ फिर अब आप पढ़ सकते हैं ये क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, एस आर नो पे क्लिक करना है। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो ये फिर आपको बोलेगा कि आप सही उत्तर दें, तो आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं एस पे क्लिक करता हूँ, चेक पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या है, ये भी करेक्ट आंसर हो गया मेरा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है इन 7 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, तो आप इसको आराम से पढ़ के और जवाब दे सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ बताने की। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, एस पे क्लिक किया, चेक पे क्लिक किया और देखते हैं ये क्या जाता है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा नहीं, फिलहाल थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन मैंने पहले वाले पे क्लिक किया एस पे, तो ये क्या कह रहा है कि नॉट क्यूट। तो ये मतलब आंसर क्या था हमारा, एक तरह से गलत था, जवाब देना गलत था। तो नो पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ क्या राइट होता है। तो ये राइट गया। तो इस तरह से आप एस और नो पे क्लिक करके बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। फिर मैं एस पे क्लिक करता हूँ, चेक पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ये भी क्या हुआ, हमारा जवाब गलत हुआ। तो फिर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, नो पे, चेक पे क्लिक करता हूँ, ये सही गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मेरे सामने। फिर मैं एस पे क्लिक किया, एस पे क्लिक करने के बाद देखते हैं ये भी करेक्ट गया, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, ये 6ठा क्वेश्चन है। फिर मैं क्या करता हूँ, नो पे क्लिक करके देखता हूँ, और नो पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या दिखाता है, ये आंसर सही नहीं था। फिर नेक्स्ट सेकेंड वाले एस वाले पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या है, तो ये करेक्ट गया। फिर अब हमारे सामने आता लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ के, आराम से पढ़ के और इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। फिर मैं सेकेंड पे क्लिक किया, चेक पे क्लिक किया, और चेक पे क्लिक करने के बाद ये करेक्ट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको फिनिश करने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे नाइस वर्क, यू हैव कंप्लीट द ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वार द नेक्स्ट। अब आगे क्या होगा, ये कह रहा है यू वार्निंग विल एक्सपायर 26 जनवरी 2024। तो ये 90 दिन बाद एक्सपायर होता है, तो जैसा कि आज जो है 28 अक्टूबर 2023 है, तो ये 90 दिन बाद मतलब 26 अक्टूबर 2024 में ये क्या होगा, वार्निंग स्ट्राइक हमारे चैनल से हट जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ साफ साफ लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ क्लोज ट्रेनिंग पे क्लिक करके आप ट्रेनिंग क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने क्लोज ट्रेनिंग पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन मेरे को दिए गए थे, गेट स्टार्टेड, लुक एट योर कंटेंट, टेक एक्शन। तो ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे साफ साफ आप क्या लिखा है, ट्रेनिंग कंप्लीटेड ऑन 28 अक्टूबर, योर वार्निंग विल एक्सपायर जनवरी 26-24। तो ये जो वार्निंग स्ट्राइक हमारे चैनल पे मिला है ये 26 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, बैक आते हैं, और बैक आने के बाद अब मैं फिर आपको YouTube स्टूडियो ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह वो 26 जनवरी 2024 को हट जाएगा। तो मैंने अपने चैनल पे क्लिक किया और YouTube स्टूडियो पे क्लिक किया, और YouTube स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे सामने YouTube चैनल का डैशबोर्ड आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरे चैनल का वार्निंग स्ट्राइक था जो अभी शो कर रहा है, आज मैंने कंप्लीट किया 28 अक्टूबर 2023 को, ये कह रहा है 26 जनवरी 2024 को ये हट जाएगा। अब 90 दिन बाद ये हमारे चैनल से स्ट्राइक हट जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है जो इसके टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि 90 दिन के अंदर आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं लगने चाहिए। अगर बार बार आपके चैनल पे स्ट्राइक लगता रहा 90 दिन के अंदर, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है, और फिर आप जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हो जाएंगे, और फिर आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।